कुर्नी विधानसभा उपचुनाव की जीत के बाद मीडिया से मुखातिब हुए भाजपा के केदार प्रसाद गुप्ता, विधानसभा उपचुनाव जीत के बाद भाजपा कार्यालय से लेकर क्षेत्र के लोगों तक खुशी का माहौल छाया हुआ है। लोगों के केदार गुप्ता को माला पहनाकर जीत की हार्दिक शुभकामनाएं दी। वहीं केदार गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह जनता की जीत है और उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र की तमाम जनताओं को हार्दिक बधाई दी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मुझे मिल ही चुका था और वोट के द्वारा भी पूरे से आशीर्वाद मिला। कुछ बूथों पर उन्होंने गड़बड़ी करी जिसके वजह से थोड़ा बीच में ऐसा लगा कि टक्कर है, लेकिन पुणे की जनता जो है पहले ही मूड बना चुकी थी और वही की। विवाद किस बात को लेकर हुआ था? वहाँ वो छपाई कर रहे और जिसका मैं विरोध किया, जो जिसकी वजह से उन्होंने जो मर्यादा में बोलना चाहिए वो मर्यादा को उल्लंघन किया। अच्छा नेताजी, जिस तरह से 18 राउंड तक जो है गिनती का हो रहा था, उस समय आपका दिल क्या कह रहा था? नहीं, मैं तो जानता था कि मैं जीतूंगा क्योंकि मुझे मालूम था, लेकिन बीच में चुकी हुआ जो है दो तीन पंचायत में बूथ स्टैंपिंग कर लिए थे जिसकी वजह से बीच में थोड़ा सा लोगों को लगा कि चक्कर हो रही। अच्छा, आपको सर्टिफिकेट लेने में परेशानी हुई थी? नहीं, कोई परेशानी। अच्छा, ये चिराग फैक्टर कितना काम किया? अरे चिराग जी तो आके मोहर लगा दी है जीत का। कुर्नी की जनता ने मूड बनाया, चिराग जी आके उस पर मोहर लगा। नेताजी, ये जीत का श्रेय किसको जाता है? कुर्नी की महान जनता को। आगे आप कैसे काम कर रहे हैं? क्योंकि जो काम पहले हुआ है, जो काम बच गया है और उससे ज्यादा जवाबदेही के साथ